Assalamu alaikum. I am Dr. Shugufta Ali Sheikh. First, I worked in Sharjah. Now, I am in Pakistan, in Lahore. आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंजरीज के बारे में है, यानी चोटें लगना. एक्चुअली इसके बारे में एक कमेंट भी था और कुछ वैसे भी मुझे लोगों ने कहा कि जो चोटें लगती हैं वो एकदम से लगती हैं, कोई प्लान तो होता नहीं है, तो वो एकदम से इंसान परेशान हो जाता है. तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए और होम्योपैथी इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकती है. तो मैंने सोचा कि आज का जो लेक्चर है वो इंजरीज के बारे में, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंस पर पहले रखा. तो आज हम इंजरीज के बारे में बात करें. इंजरीज के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि इंजरीज जो है वो दो तरह की होती है. अगर किसी को चोट लगती है, एक होते हैं ओपन वुंड और एक होते हैं क्लोज वुंड. यानी ओपन वुंड जो आपको देखने में नज़र आ रहा होता है कि चोट लगी है, जख्म हुआ है, कहीं से आप गिर गए हैं या किसी तरीके से आपको चोट लग गई है और उसकी वजह से जख्म आपको नजर आ रहा है, वो तो ओपन वुंड हो गया ना. उसकी तो जाहिर बात है सबसे पहले तो उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी. होम्योपैथिक में कैलेंडोला जो है क्यू में, वो बहुत अच्छी मेडिसन है, बेस्ट क्लीनर है, बेस्ट हीलर है, एंटीसेप्टिक है. तो आप कैलेंडोला क्यू में ज़रूर अपने घर में रखें और इसको एज अ लोशन जो है वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी क्रीम भी मिलती है और वो भी आप घर में रख सकते हैं और इसको इंटरनली भी लिया जा सकता है. उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बताती हूँ. तो कैलेंडोला जो है उसकी मैं आपके बात ये बात बता रही थी कि इट्स अ गुड एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक भी है, हीलर भी है और क्लीनर भी है. उसको सबसे पहले तो जो बाहर वाला वुंड है उसको साफ करके और उसके ऊपर कैलेंडोला जो क्रीम है या मरहम है वो लगा देनी चाहिए. और कुछ होते हैं जो वुंड नज़र नहीं आते, उसको हम क्लोज वुंड कहते हैं, जिसमें चोट कोई किसी इंसान को चोट लगी और वो गिरा और उसके बाद उसको बज़ाहिर तो कोई चोट नहीं है, ऊपर से स्किन बिल्कुल ठीक है लेकिन स्किन नीली हो गई है या पेनफुल है, तो उस सूरत में इसको हम क्लोज वुंड कहते हैं कि जिस्म का कोई अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है, चोट अंदर की तरफ है जो नज़र नहीं आ रही. तो उस सूरत में तो जाहिर है कोई इंटरनल मेडिसिन ही काम करेगी. तो जहाँ तक इंजरी की टाइप की बात है तो तीन तरह की इंजरीज होती हैं, एक स्प्रेन, स्ट्रेन और फ्रैक्चर. जिसमें सबसे पहली जो इंजरी है उसमें जिसको हम स्प्रेन का नाम देते हैं, स्प्रेन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जिसमें जो चोट लगती है उसमें लिगामेंट या टेंडन टूट जाता है. यानी आम जुबान में अगर मैं उसको कहूँ तो वो ये होता है कि जो गोश्त को और हड्डियों को जोड़ने वाले पट्टी होते हैं वो टूट जाता है. और दूसरी किस्म की स्ट्रेन है जिसमें जो मैस है या गोश्त जो है वो फट जाता है, उसमें भी चोट आ जाती है. और तीसरा जो होता है जो सबसे आखिरी है और हद तक है कि किसी को चोट इतनी ज़्यादा लगी है कि उसकी हड्डी ही टूट गई है, बोन फ्रैक्चर, उसको फ्रैक्चर कहते हैं. ये तीन तरह की चोटें होती हैं. चूँकि होम्योपैथिक में हम इलाज सिम्टोमेटिकली करते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स के मुताबिक उसकी मेडिसिन का इंतखाब करते हैं, तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो आप पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए उसकी चोट के बारे में. जब वो आपके पास आए तो आप देखें कि उसकी इन तीनों किस्म की इंजरीज में से कौन सी इंजरी है, तो उसके बाद उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करिए. जो मेडिसिन हम आपको बताते हैं ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है या जूनियर डॉक्टर्स के लिए है कि वो इस मेडिसिन को, उनको स्पेसिफिक मेडिसिन का पता चल जाए तो आप उसको पढ़ें और उसके सिम्टम्स को पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच करें और फिर पेशेंट के लिए मेडिसिन का सिलेक्शन करें. मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ कि ये जो मेरे लेक्चर है ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये होम्योपैथिक अवेयरनेस के लिए होते हैं. और इसके बाद भी जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत होती है कि वो स्पेसिफिक मेडिसिन को पढ़ें. अच्छा, अब जहाँ तक हम मेडिसिन की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लोज ओपन वुंड्स होते हैं उनके लिए कैलेंडोला क्यू में बहुत अच्छा है, एंटीसेप्टिक है, हीलर है और इसके अलावा क्लीनर है. और क्लोज वुंड के लिए आर्निका 30 में इस्तेमाल कीजिए. आर्निका 30, अच्छा आर्निका की ये क्वालिटी है कि ये मस्कुलर रिलैक्सेंट है, इससे मस्कुलर जो है वो आपके रिलैक्स होते हैं और बहुत अच्छी रिजल्ट देती है. और इसके साथ साथ आर्निका की जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है जिसकी वजह से ये तकरीबन सारी वुंड्स और हर किस्म की इंजरीज में आर्निका यूज़ होता है, वो उसका ये वो ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, इससे खून की गर्दिश तेज़ होती है. जब किसी को ज़ख्म लगता है और वहाँ पर नीलापन आ जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है. और ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई है, ज़ाहिर है ब्लड वेसल्स कोई रप्चर हुई होगी जिसकी वजह से वो जो नेटवर्क है खून का वो उनका उस सतह पर
वो टूट गया और वहां पर ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो आर्निका जो है वो 30 में यूज करें और दिन में 3 टाइम यूज करें और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है। अच्छा, अब दूसरी किस्म पे हम आ जाएं, दूसरी तरह से इसकी डिवीजन कर लें कि सबसे पहले हम स्प्रेन के बारे में बात करेंगे। जब लिगामेंट टूट जाते हैं, पट्टे टूट जाते हैं, कोई गिरा है या किसी तरह से उसको इंजरी हुई है और उसके लिगामेंट टूट गए हैं, तो उस सूरत में रूटा मेडिसिन बहुत अच्छी है। रूटा क्यू में इस्तेमाल कीजिए और रूटा 30 में इस्तेमाल कीजिए। रूटा 30 में इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि दिन में 3 बार, ज़ाहिर है 30 है तो उसको सुबह दोपहर शाम में रिपीट करें और 2 वीक्स तक कम अज़ कम इसको इस्तेमाल करें। अगर आप समझते हैं कि पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो रूटा के साथ इतनी नहीं मिलती, तो दूसरे नंबर पर रेस्टॉक्स को भी याद रखिए। रेस्टॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इंजरीज के सिलसिले में। तो जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए तो आप सबसे पहले रूटा और फिर रेस्टॉक्स को देखें कि किसके साथ उसकी सिम्टम पेशेंट की सिम्टम्स मैच होती है और उसके मुताबिक उसके सिलेक्शन कीजिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको जो शुरू के कुछ दिन हैं, पहले दिन शुरू की जो कुछ डोजेज हैं वो आप आधे आधे घंटे से रिपीट करवाएं और उसके बाद फिर उसको 3 टाइम्स a day यूज़ करें। अच्छा, दूसरे नंबर पर स्ट्रेन है। स्ट्रेन वो जिसमें जो गोश्त है वो फट जाता है या गोश्त तक इंजरीज जो है वो पहुंच जाती है, तो उस सूरत में अगर ऐसा है तो उस सूरत में भी आर्निका को इस्तेमाल कीजिए। आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है और आर्निका के लिए देने का वही तरीका है, आर्निका 30 में लीजिए और जब चोट लगी हो उसको फौरन से रिपीट करें। और पहले जो शुरू का टाइम है, अगर आपके पास पेशेंट जल्दी आ जाता है तो 10-12 डोजेज उसकी जो है वो जल्दी जल्दी दीजिए, 10-10 मिनट के वक्फे से, आधे आधे घंटे के वक्फे से दीजिए और उसके बाद फिर उसको दूसरे और तीसरे दिन दिन में 4 या 5 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। आप देखेंगे कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब हम तीसरे नंबर के इंजरी पे आ जाते हैं जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन जिसमें हड्डी ही टूट जाती है, इस कदर इसमें डीप चोट लगती है, कोई ऊपर से गिर गया है या कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से जो है इस किस्म की इंजरीज जो डीप इंजरीज होती है कि स्किन को क्रॉस करके इंजरी और उसके बाद मैस को क्रॉस करके बोन को भी तोड़ देती है, ये बहुत जो है वो तकलीफ दे और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चाहती है। तो इसके लिए फ्रैक्चर की सूरत में, और ख़ास तौर पर याद रखिए कि अगर ओल्ड एज में ऐसा फ्रैक्चर हो जाए तो जो मेडिसिन अभी मैं बताने लगी हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। फ्रैक्चर तो खैर किसी एज में भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन स्पेशली जो है वो जब ओल्ड एज होती है। फ्रैक्चर की सूरत में सिम्फाइटम को याद रखें, क्यू में भी और 30 में भी दोनों को इस्तेमाल करवाएं फ्रैक्चर में, स्पेशली ओल्ड एज में। लेकिन फिर वही बात है, किसकी सिम्टम्स देख लें। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो रेस्टॉक्स है और रेस्टॉक्स जो है वो ख़ास तौर पर जो लिगामेंट है उनको जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत जल्दी ये गुड मेडिसिन है। इस मेडिसिन में जो है वो सिलेक्शन वही सिम्टम्स के मुताबिक होगी। यानी हमने ओवरऑल इसका में जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हमने कलेक्टिवली की, उसमें कैलेंडोला है, आर्निका है, रेस्टॉक्स है, रूटा है और सिम्फाइटम है, इनको क्यू में और 30 में जैसे बताया गया है वैसे इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। और खाने में जो है पेशेंट को कहें कि वो कीमे का इस्तेमाल ज़्यादा करें अगर उसकी चोटें बहुत गहरी हैं। इसके अलावा अगर जो है वो आप पाई खा सकते हैं, ये भी गोश्त की एक किस्म है मीट की, वो खाइए। जिसमें जिस चीज़ में भी, जिस मटीरियल में भी सुरेश होगी या इस किस्म का लिक्विड मौजूद होगा, जैसे भिंडी में होता है और जैसे अरवी में होता है, तो ये चीज़ें जो है वो आपकी बोन्स को दोबारा से अपनी जगह पर हील करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए बहुत अच्छी हैं। इन चीज़ों पे भी तवज्जो दीजिए और जो इस किस्म की इंजरीज हैं इसका फौरी तौर पे मेडिसिन का सिलेक्शन कर दें ताकि जो है इसमें देर ना हो। थैंक यू।